हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस वक्त जो है आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये डिपेंड होता है कि वो जो कंपनी है वो कौन सी है। यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो है आप वहां पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो क्या, ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए जा रहे हो क्या, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो क्या। तो जो भी कंपनी रहेगी जिसके लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस कंपनी के मुताबिक ही जो है आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको जो है अलग अलग क्वेश्चन भी जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कंपनी है जहां पर ये सेफ्टी इंजीनियर का जब इंटरव्यू हुआ था तो वहां पर जो सवाल पूछे गए थे वो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि आरवीपीआर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहां पर सेफ्टी इंजीनियर का जब इंटरव्यू हुआ था तो कौन से सवाल जो है पूछे गए थे उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि SKENC जो कंपनी है वहां पर जो है कौन से सवाल पूछे गए थे उसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि इंडियन जो पेरोक्साइड जो कंपनी है वहां पर जो है सेफ्टी इंजीनियर को कौन से सवाल पूछे गए थे उसके बारे में भी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेफ्टी इंजीनियर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आरवीपीआर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहां पर जो है सेफ्टी इंजीनियर के इंटरव्यू के वक्त जो है पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि अनसेफ पैक, अनसेफ कंडीशन को फाइंड आउट करना और प्रिवेंशन जो प्लान है वो तैयार करना, डिलीवर परमिट को इश्यू करना, सभी जो चेकलिस्ट है कंसर्न जॉब के लिए उसको बनाना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, वीकली सेफ्टी रिपोर्ट को बनाना, सेफ्टी मीटिंग कंडक्ट करना, हीरा को बनाना, फर्स्ट एड ट्रेनिंग कंडक्ट करना, इंडक्शन ट्रेनिंग कंडक्ट करना, जॉब सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्ट करना, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कंडक्ट करना, JSA को बनाना, मोटिवेशनल प्रोग्राम कंडक्ट करना, सभी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो भी OSHA 18001 यानी कि जो 45001 है उसकी सभी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसका मेंटेनेंस करना, जो भी इंसिडेंट होता है उसके रिपोर्ट बनाना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसका एक्शन प्लान बनाना और सभी जो लीगल कंप्लायंस है उसको जो है यहाँ पर फॉलो करना। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जो भी एक्सकेवेशन होता है उस एक्सकेवेशन से ट्रक की जो दूरी है यानी कि जो सेफ डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये SKENC जो कंपनी है वहां पर जो है सेफ्टी इंजीनियर के इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 2 फीट से जो है ज्यादा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ERP यानी कि क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये SKENC कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर को पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि ERP का मतलब होता है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, और इसका मकसद ये होता है कि प्रॉपर्टी डैमेज हो या फिर जो इन्वायरमेंट को खतरा होने वाला है उसको मिनिमाइज करना, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन की जो सेफ्टी है उसको यहाँ पर इंश्योर किया जाए, और जो भी पर्सन है उनको काम को दोबारा वहां पर जाने के लिए या फिर उनका जो काम है वो रिज्यूम करने से पहले जो है वहां पर उसकी सेफ्टी को जो है इंश्योर किया जाए, साथ ही साथ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है उसको रिस्टोर किया जाए। अब इमरजेंसी जो रिस्पांस प्लान होता है उसमें सभी जो पॉसिबल इमरजेंसीज है उसको कंसिडर किया जाता है। उसमें वो जो इमरजेंसी है उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायर एक्शन जो है आपको लेनी चाहिए, उसकी रिटर्न प्रोसीजर्स क्या है और उसके लिए क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कन्फाइन स्पेस के अंदर क्या हजार से। अब ये जो क्वेश्चन है ये SKENC कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर को पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो हजार है उसमें जो है गैसेस जो है वो मौजूद हो सकती है, जैसे कि H2S गैस हो या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो, फ्लूडिंग जो है वो भी यहाँ पर 1000 है, डस्ट जो है वो भी 1000 है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पर जो है एंट्रेंस और एग्रेस होता है। तो ये जो है ये हजार हमें कन्फाइन स्पेस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि क्रिटिकल लिफ्टिंग यानी कि क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये SKENC कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर के इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था।
तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि क्रिटिकल लिफ्टिंग यानी कि यहाँ पर हेवी लोड को जो है लिफ्ट किया जाता है और इसका जो है सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है पर्संस को या फिर जो इक्विपमेंट है उसको। अब क्रिटिकल लिफ्टिंग में जो लोड इन्वॉल्व होता है वो काफ़ी हेवी होता है या फिर उसका जो शेप है वो ऑकवर्ड हो सकता है या फिर इसके लिए जो है एक स्पेशलाइज जो इक्विपमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है या फिर स्पेशलाइज टेक्निक की ज़रूरत पड़ सकती है इस लोड को सेफली लिफ्ट करने के लिए। अब क्रिटिकल लिफ्टिंग के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लार्ज जो मशीनरी है उसको लिफ्ट करना या फिर हेवी इक्विपमेंट को लिफ्ट करना या फिर जो लोड है वो अगर ओवरसाइज है उसको लिफ्ट करना। अब अगर आपको क्रिटिकल लिफ्टिंग का जो ऑपरेशन है वो अगर सक्सेसफुली और सही से अगर सेफली अगर करना है तो उसके लिए जो है आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, इक्विपमेंट का सिलेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए और जो भी पर्सन यहाँ पर लिफ्टिंग में इन्वॉल्व है उन सभी का जो है वो ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये जो है ये कुछ एसेंशियल फैक्टर्स है जिसकी मदद से जो है हम क्रिटिकल लिफ्टिंग का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली और सेफली जो है यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स है। अब ये जो क्वेश्चन है ये SKENC कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था, तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मेनली फायर एक्सटिंग्विशर के जो है 5 टाइप्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और फिफ्थ है वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रिस्क असेसमेंट यानी कि क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये SKENC कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था, तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि रिस्क असेसमेंट जो है ये रिस्क को इवेल्युएट करने की एक प्रोसेस है जहां पर वर्कर की सेफ्टी या फिर उसकी जो हेल्थ है जो वर्क प्लेस हजार्स के कारण जो है उसको हो सकती है वो जो रिस्क है उसको यहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है। अब ये जो है एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जहां पर जो भी काम है उसके सभी जो एस्पेक्ट्स है उसको कंसीडर किया जाता है। अब इसमें देखा जाता है कि जो भी वर्कर वर्कप्लेस में काम करता है तो कौन से हजार्स के कारण जो है या फिर कौन से कारण की वजह से जो है उसको इंजरी या फिर हार्म हो सकती है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि वो जो हजार्स है जिसकी वजह से उसको नुकसान होने वाला है उसको इलिमिनेट किया जाए। अगर वो इलिमिनेट अगर नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव या फिर प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि उसकी जो रिस्क है उसको यहाँ पर सही से कंट्रोल किया जाए। तो ये जो है ये रिस्क असेसमेंट में जो है देखा जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर की कितने टाइप्स है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये SKENC कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर को पूछा गया था, तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर के जो है मेनली 5 टाइप्स है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। अब इसमें जो है क्लास ए आता है कंबस्टेबल मटेरियल फायर, क्लास बी आता है फ्लेमेबल लिक्विड फायर, क्लास सी आता है फ्लेमेबल गैस फायर, क्लास डी आता है कंबस्टेबल मेटल फायर और क्लास एफ आता है किचन फायर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कन्फाइन स्पेस की सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये SKENC कंपनी में सेफ्टी इंजीनियर को इंटरव्यू के वक्त पूछा गया था, तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कन्फाइन स्पेस में जब भी कोई पर्सन अगर काम करता है तो उसको जो है एक्सीडेंट या फिर इंजुरी से प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिक जो है वहां पर सेफ्टी मेजर्स जो है वो लेने होते हैं। अब इसमें जैसे कि वर्क प्लेस में सभी जो कन्फाइन स्पेसेस है उसको सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और एसेस करना है, फिर उसके बाद वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन को इम्प्लीमेंट करना है और एयर क्वालिटी को वहाँ पर टेस्ट करना है, फिर उसके बाद है कि वहाँ पर प्रॉपर जो लाइटिंग है उसको वहाँ पर प्रोवाइड करना है और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट है वो भी प्रोवाइड करने हैं। फिर उसके बाद है कि कन्फाइन स्पेस में जो भी पर्सन्स वहाँ पर काम करने वाले हैं तो वो सारे पर्सन्स जो है वहाँ पर ट्रेन होने चाहिए, साथ ही साथ उनको कन्फाइन स्पेस एंट्री प्रोसीजर्स क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। जो भी पर्सन्स कन्फाइन स्पेस में काम करते हैं तो उनको जो है प्रॉपर जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका सही से इस्तेमाल करना है, रेस्क्यू प्लान जो है वो वहाँ पर होना चाहिए, रेगुलरली कन्फाइन स्पेस जो एरिया है या फिर जो इक्विपमेंट है उसको इंस्पेक्ट करना है साथ ही साथ उसको मेंटेन करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी OSHA रेगुलेशंस या फिर गाइडलाइंस है या फिर आपके साइट पर जो भी रेगुलेशंस या फिर गाइडलाइंस फॉलो की जाती है उसको आपको फॉलो करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप इसके आंसर में बता सकते हो।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जेएसए यानी कि क्या है, साथ ही साथ जेएसए और रिस्क असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि जेएसए का मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर जो भी स्पेसिफिक जॉब हो या फिर जो टास्क है उसमें क्या पोटेंशियल हजार्स है या फिर उसके एसोसिएटेड में क्या रिस्क हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जेएसए में क्या होता है कि जो भी पोटेंशियल हजार्स है या फिर जो रिस्क है तो उसको जो है यहाँ पर ब्रेक डाउन किया जाता है, और उसके हर एक जो ब्रेकडाउन किया गया जो इंडिविजुअल स्टेप है उसको यहां पर एनालाइज किया जाता है। अब जेएसए का जो है मेन गोल ये होता है कि जो भी पोटेंशियल हजार्स है यानी कि उसका नुकसान होने से पहले उसको जो है हमें आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको इलिमिनेट करना है या फिर उसके लिए जो है हमें सही से कंट्रोल मेजर्स लेना है। अब खास तौर से जेएसए का जो इस्तेमाल है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर हेल्थ केयर में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे छोर पर रिस्क असेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ब्रॉडर प्रोसेस होती है, यहाँ पर जो है इंटायर जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो प्रोजेक्ट है उसके एसोसिएटेड में क्या रिस्क यहाँ पर हो सकती है उसको आइडेंटिफाई और एनालाइज किया जाता है, जबकि जेएसए में जो है स्पेसिफिक जॉब या फिर टास्क के ऊपर जो है फोकस किया जाता है, और रिस्क असेसमेंट में जो है बड़े पिक्चर के ऊपर जो है यहाँ पर देखा जाता है। मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में सभी जो पोटेंशियल जो रिस्क या फिर जो हजार्स है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अब ये जो दोनों है यानी कि जेएसए और जो रिस्क असेसमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से वर्क प्लेस सेफ्टी को जो है यहाँ पर हम इंश्योर कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्सीडेंट और इंजुरीज को भी जो है हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर पॉइंट जो है एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर फ्यूल जो है वो इग्नाइट होता है और कंटिन्यू जो है वो वहां पर जलते रहता है, जबकि फ्लैश पॉइंट जो है एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर फ्यूल जो है वो इग्नाइट होता है मोमेंटली। अब फायर पॉइंट जो है वो हमेशा फ्लैश पॉइंट से जो है वो ज्यादा रहता है। फायर पॉइंट की अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो गैसोलीन का फायर पॉइंट है 246 डिग्री सेल्सियस, डीजल फ्यूल का है 74 डिग्री सेल्सियस, केरोसिन का है 74 डिग्री सेल्सियस। फ्लैश पॉइंट में जो है फ्लेमेबल लिक्विड को यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है। फ्लैश पॉइंट की एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गैसोलीन का फ्लैश पॉइंट है -43 डिग्री सेल्सियस, डीजल फ्यूल का है 52 डिग्री सेल्सियस और केरोसिन का है 38 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि हजार के क्लासिफिकेशंस क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि हजार को जो है क्लासिफाई किया गया है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इर्गोनॉमिक और साइकोसोशल में। तो इसमें फिजिकल हजार्ड में आता है नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशंस और एक्सट्रीम टेम्परेचर। केमिकल हजार्ड में आता है टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसके साथ एक्सपोजर होना, जैसे कि ऐसे सो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो। बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है वायरसेस के साथ में एक्सपोज होना या फिर बैक्टीरिया हो, फंगी हो या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। इर्गोनॉमिक हजार्ड में आता है रिपीटेटिव मोशंस में काम करना, पुअर पोस्चर्स या फिर हेवी ऑब्जेक्ट को करना। साइकोसोशल हजार्ड या फिर साइकोलॉजिकल जो हजार्ड है इसमें आता है वर्क प्लेस में स्ट्रेस होना या फिर वायलेंस है या फिर वर्क प्लेस में हरासमेंट होना। तो ये जो है ये हजार्ड की जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि आपने सेफ्टी फील्ड को क्यों चूज किया। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मेरा ये बिलीव है कि हर एक जो पर्सन है जो भी काम करता है वो डिजर्व करता है सेफ इन्वायरमेंट। तो इसी के लिए जो है मैंने ये सेफ्टी फील्ड को जो है यहाँ पर चूज किया है। इसके साथ साथ आप बता सकते हो कि दूसरों की भलाई करने का मुझ में जो है एक जुनून है, एक पैशन है। इसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि मेरी ये ऐसी डिजायर है, ऐसी इच्छा है कि एक्सीडेंट और इंजरीज को जो है मैं यहाँ पर प्रिवेंट करूँ। इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि मेरा जो है इंटरेस्ट है वो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करने में है, साथ ही साथ प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने में है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि मेरा ये बिलीव है कि सेफ्टी जो है एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। इसके एग्जांपल्स में आप बता सकते हो कंस्ट्रक्शन साइट में सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना, फैक्ट्रीज में जो भी सेफ्टी रेगुलेशंस लागू होते हैं तो उसके जो भी कंप्लायंस है उसको यहाँ पर इंश्योर करना, हॉस्पिटल्स में सेफ्टी ऑडिट को कंडक्ट करना। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि हीरा यानी कि क्या है। तो
तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि हीरा का मतलब होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। अब हीरा जो है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहां पर जो पोटेंशियल हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, साथ ही साथ उसके एसोसिएटेड में क्या रिस्क है उसको भी एनालाइज किया जाता है। अब हीरा में इन्वॉल्व होता है कि यहाँ पर जो भी हजार्ड ऑकर होने वाला है तो उसका लाइकलीहुड क्या है, उसका चांस क्या है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, साथ ही साथ उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद इसमें डिटरमाइन किया जाता है कि इसके लिए जो है क्या अप्रोप्राइट कंट्रोल मेजर जो है वो लेने चाहिए। अब हीरा जो है कुछ कॉमनली यूज होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। अब हीरा के थ्रू जो है कुछ हजार्स को जो है हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। तो उसमें आता है जैसे कि केमिकल स्पिल हो गया, इक्विपमेंट फेलर हो गया, वर्क प्लेस वायलेंस हो गया। तो ये जो कुछ हजार्स है जिसको हम हीरा की मदद से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि NAPA यानी कि क्या है, तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि NAPA का मतलब होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। अब NFPA जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फायर सेफ्टी और उसके प्रिवेंशन के रिलेटेड जो भी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको यहाँ पर डेवलप और पब्लिश किया जाता है। अब ये जो कोड्स और स्टैंडर्ड्स है ये खास तौर से फायर डिपार्टमेंट में जो है इस्तेमाल होते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है वहां पर ये जो कोर्स और स्टैंडर्ड्स है उसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब NAPA कोर्स के एग्जांपल की अगर बात करें तो इसमें आता है NAPA 70 जो है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, NAPA 101 जो है लाइफ सेफ्टी कोड, NAPA 13 जो है स्प्रिंकलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन का स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि MSDS यानी कि क्या है, तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि MSDS का मतलब होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। अब MSDS जो है वो प्रोवाइड करता है कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसमें जो है जो भी सब्सटेंस है या फिर जो प्रोडक्ट है उसमें हजार्स क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है, स्टोर करना है, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब ये जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो सभी हजार्डस केमिकल्स के लिए जो है रिक्वायर होता है एज पर द लॉ। अब MSDS में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इंक्लूड होती है, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन के बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उस सब्सटेंस की उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, उस सब्सटेंस का हेल्थ इफेक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ ये जो है ये फर्स्ट एड मेजर्स क्या है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फायर फाइटिंग मेजर्स क्या है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है, स्पिल और लीकेज प्रोसीजर्स क्या है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है। MSDS जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है वर्कर लोगों के लिए जो हैंडल करते हैं हजार्डस केमिकल्स, ताकि यहाँ पर जो है उनकी सेफ्टी और एक्सीडेंट को जो है प्रिवेंट किया जा सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप सेफ्टी इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।